नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे पशु प्रजातियों के बारे में दिलचस्प तथ्य। हमारी पृथ्वी पर 10 लाख से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियों जाने जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे मरीन एनिमल्स यानी समुद्री जानवर। तो जिस जलीय प्राणी के बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जेलीफिश। जेलीफिश समुद्रों में पाए जाते हैं और आप सबने उनके बारे में पहले सुना ही होगा। बट क्या आपको ये पता था कि जेलीफिश का एक ऐसा प्रकार है जो मौत को धोखा देने में सक्षम रहा है। आप देखें वो ये कैसे कर पाता है। जेलीफिश के दो अवस्था माने जाते हैं, स्टेशनरी पॉलिप स्टेज या फिर स्थिर पॉलिप अवस्था। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। और दूसरा मोबाइल मेड्यूसा फेज या फिर मोबाइल मेड्यूसा अवस्था, जो कुछ ऐसे दिखता है। अब ये माना जाता है कि तनाव के समय जेलीफिश अपने दोनों अवस्था के बीच में यात्रा कर सकता है। अगर इंसानों से तुलना की तो ये कुछ इस प्रकार हुआ कि एक मनुष्य अपने बुढ़ापन और बचपन के बीच में यात्रा कर रहा है। इस प्रकार वो सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकता है और मौत को धोखा देने में सक्षम रहा है। आगे देखेंगे हम डॉल्फिन्स। इस हंसते खेलते उछलते जानवर को तो आप सबने पहले देखा ही होगा, या तो अक्वेरियम्स में या फिर वाटर शोज में। ये माना जाता है कि बाकी पशुओं की तुलना में डॉल्फिन्स बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। मनुष्यों की अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। यह हमारी बुद्धिमानी का एक बहुत बड़ा निशाना है। डॉल्फिन्स में एक प्रकार है जिन्हें हम वाइल्ड डॉल्फिन्स बुलाते हैं। ये डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। देखा जाए तो ये भी उनकी बुद्धिमानी का काफी बड़ा निशाना है। समुद्री जानवरों में जो हम आखिरी प्रकार पढ़ेंगे उसका नाम है व्हेल। समुद्री जानवरों में से ये सबसे बड़ा वाला जानवर होता है। जिस व्हेल की आप फोटो देख सकते हैं उसका नाम है किलर व्हेल या फिर ऑर्का। ये एक अकेला प्रकार है जो मनुष्यों का शिकार करता है। बट क्या आप ये जानते थे कि किलर व्हेल असल में एक व्हेल होता ही नहीं, वो एक डॉल्फिन का प्रकार माना जाता है। व्हेल्स के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य है कि इतने बड़े होने के बावजूद वो समुद्र के छोटे प्राणी पे ही शिकार करते हैं, जैसे श्रिम्प्स या फिर प्रॉन्स। आगे हम बात करेंगे लैंड एनिमल्स की यानी जमीन पर रहने वाले जानवर। आगे हम देखेंगे पोला बेस यानी ध्रुवीय भालू। पोला बेस पृथ्वी के आर्कटिक रीजन यानी नॉर्थ पोल के इलाके में पाए जाते हैं। वहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बट वो इस कठिन परिस्थितियों में जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं जी सकता, ये भालू आराम से जी सकते हैं क्योंकि उनके त्वचा के नीचे 10 सेंटीमीटर का रोना होता है। ये इन भालुओं को इतनी गर्माहट देता है कि वो इन कठिन ठंड में भी जी सके। पोला बेस के बारे में एक और दिलचस्प तत्व है कि अगर मैंने बोला कि एक पोला बेर की कल्पना करो तो सबसे पहले कोई एक सफेद भालू की कल्पना करेगा। बट असल में जो पोला बेस की खाल होती है वो काले रंग की होती है, जो आप इस फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर। तो शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पोला बेस सफेद क्यों दिखते हैं। वास्तव में उनका जो फर होता है वो काफी घना और सफेद होता है, जिसके वजह से वो दूर से सफेद नजर आते हैं। आगे बात करेंगे स्पाइडर्स की यानी मकड़ियों की। ये खौफनाक जानवर पृथ्वी पर अंटार्कटिका छोड़कर बाकी 6 महाद्वीपों पर पाया जाता है। क्या आपको पता था कि इसका जो रेशम होता है भले ही मनुष्य के एक बाल से भी पतला हो, बट मजबूती में ये इस्पात से 5 गुना मजबूत है। बल्कि ये कहा जाता है
कि अगर इसका 10 सेंटीमीटर मोटा रेशम का एक धागा लिया तो उसमें इतनी ताकत है कि वो एक उड़ते हुए हवाई जहाज को भी रोक सकता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के सारे जीवित प्राणियों में, भले ही वो जानवर हो या पेड़ पौधे, उनमें विकास नजर आता है। ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का विकास बंदर से ही हुआ है। आओ अभी जानवरों में विकास के दो विपरीत उदाहरण देखें। मैं जिस पहले उदाहरण की बात करने वाला हूं उसका नाम है टेक्सस ब्लाइंड सालमेंडर। सालमेंडर एक एम्फिबियन यानी उभयचर का प्रकार है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये वहां पे पाया जाता है जहां पे पानी की उपलब्धि हो। टेक्सस ब्लाइंड सालमेंडर टेक्सस के हेस काउंटी के गुफाओं में पाया जाता है और सैकड़ों सालों के विकास के बाद आज वो कुछ ऐसे दिखता है। इसकी वजह यह है कि उन गुफाओं में पानी तो था बट वो इतना अंदर रहता था कि वहां पे कोई रोशनी नहीं आती थी, और क्योंकि कोई रोशनी नहीं थी उसको दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ी और फिर अभी उसके आंखें ही नहीं होते। और यही नहीं, क्योंकि उसके जो त्वचा है उसको पिगमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, अभी उसकी त्वचा एक पारदर्शी सफेद रंग दिखाई देता है। मैं जिस दूसरे उदाहरण की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव का प्रकार है। ऐसे बोला जाता है कि ये टार्डिग्रेड्स उबलते हुए पानी और ठोस बर्फ तक में जी पाते हैं। और यही नहीं, ये एक अकेली जाति है जो अंतरिक्ष में भी पाई गई है। ये भी कहा जाता है कि टार्डिग्रेड्स 10 साल तक रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के बगैर जी पाते हैं। टार्डिग्रेड्स एक इतनी मजबूत जाति है कि इसको अभी तक विकास की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे बोला जाता है कि वो डायनासोर के काल से पहले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे और आज तक पाए जाते हैं। टार्डिग्रेड्स असल में कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी सीखने को मिला और मजा भी आया होगा। धन्यवाद।